मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेसन नंबर टू एटॉमिक स्ट्रक्चर में थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स बता दिए थे आपको, उनके मास, उनके चार्ज बता दिए, उस पर न्यूमेरिकल बता दिया। अब आपके हेडिंग आती है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, और इसमें हम पहले ले रहे हैं नंबर वन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये डिस्कवरी हुई है बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। देखिए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अभी बता देते हैं आपको। तो आपके पहले थ्योरी है इसके अंदर में, और इसमें आती है आपके पहले डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, पहली है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट समझिए आप, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय विलियम क्रूक्स। ये विलियम क्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट करा था, क्या है देख लीजिए विलियम क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट। विलियम क्रूक्स टू अ ग्लास ट्यूब विच इट कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब, एक ग्लास की ट्यूब थी जिसके दोनों एंड सील्ड थे, और इसमें उन्होंने यहां पर वे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगाए, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड गौर से देखिए, और इन्हें हाई वोल्टेज से अटैच किया प्लस माइनस, ये है हाई वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट। विलियम क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट समझिए, ये दो तीन दिन आपके थ्योरी जलेगी इसमें। तो विलियम क्रूक्स टुक अ ग्लास ट्यूब जिसके दोनों एंड सील्ड थे, और इसको डिस्चार्ज ट्यूब बोला। इसमें ये हो गए डिस्चार्ज ट्यूब, ये तो हो जाएगी डिस्चार्ज ट्यूब, ये हो गए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। सबको पता है प्लेटिनम इज द मैटर, एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ये डाल्टन बता चुका था पहले, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। तो मैटर है इसमें एटम्स, हाई वोल्टेज जो नेगेटिव से अटैच हो रहा है वो कैथोड होगा, और जो पॉजिटिव से अटैच हो रहा है वो एनोड होगा। ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, यहां पर पे वैक्यूम करने के लिए एक वैक्यूम पंप लगाया गया, ये एक वैक्यूम पंप, ये वैक्यूम पंप। ये तो हुआ एक्सपेरिमेंट ऑफ विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट देखिए, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को तीन पॉइंट में बढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद में ऑब्जर्वेशन, और फिर कंक्लूजन। तो एक ग्लास ट्यूब ली जिसके दोनों एंड सील्ड थे, विच इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए, हाई वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट से अटैच कर दिया, और इसमें वैक्यूम करने के लिए एक वैक्यूम पंप लगा दिया। अब आगे देखिए ऑब्जर्वेशन में, जैसे ही इलेक्ट्रोड पर पे हाई वोल्टेज अप्लाई करा, उन्होंने देखा कैथोड से, विलियम क्रूक्स बोल रहे हैं, इनविजिबल रे निकलती है, वो तो कंक्लूजन में, और एनोड की साइड पर पे इधर ग्रीनिश ग्लो, यहां पर पे ये ग्रीनिश ग्लो एपियर हुआ, ग्रीनिश ग्लो।
या ग्रीनरीज ग्रो आया। तो व्हेन वी अप्लाई हाई वोल्टेज ऑन इलेक्ट्रोड अ ग्रीनरीज ग्लो एपियर एट द साइड ऑफ एनोड, एनोड की साइड पे ग्रीनरीज ग्लो एपियर हुआ, इट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। देन कंक्लूजन, कंक्लूजन में फिर विलियम क्रूक्स ने बोला कि केथोड से सम इनविजिबल रेज आर इमिटेड फ्रॉम केथोड, यहां से इमिटेड हो रही है और इनकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि ये एनोड को पेनिट्रेट करके इस साइड पर भी आ गई और एनोड की साइड की जो ग्लास वॉल है उसको ग्रीनिश कर दिया, तो वहां ग्रीनिश ग्लो हुआ। और दीज इनविजिबल रेज वर कॉल्ड केथोड रेज, तो केथोड रेज डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक्स। ये हो गया आपके पास में केथोड रेज डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक्स। तो केथोड रेज की डिस्कवरी हो गई और अब इसके बाद विलियम क्रूक्स की तो डेथ हो गई। तो इनके असिस्टेंट थे, नाम है सबने सुन रखा है जे जे थॉमसन। तो जे जे थॉमसन आए, जे जे थॉमसन, और जे जे थॉमसन ने प्रॉपर्टीज ऑफ केथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ केथोड रेज इनकी स्टडी करी, प्रॉपर्टीज ऑफ केथोड रेज की स्टडी कर रहे हैं जेजे थॉमसन, बाई जेजे थॉमसन पहली प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं। लीजिए भाई, नंबर वन, केथोड रेज डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक्स, और अब प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे हैं जेजे थॉमसन। इन्होंने क्या करा, पहले प्रॉपर्टी के लिए सॉरी केथोड रेज के बाद में एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लगा दिया, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो जैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट लगाया तो यहां उसकी शेडो बन गई। अब आपको पता है लाइट आ रही है सामने से और अगर मैं खड़ा हो गया तो पीछे मेरी शेडो पहुंची, इसका मतलब लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर लाइट जिग जिग जाती तो मेरे को क्रॉस करके पीछे होकर के आ जाती और पीछे अगर मेरे लाइट आ जाएगी तो मेरी शेडो तो नहीं बनेगी। तो शेडो तभी बनती है जब कोई चीज स्ट्रेट ट्रेवल करे। तो इन्होंने बोला व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ केथोड रेज इट फॉर्म शेडो ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट इज केथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। केथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, केथोड रेज जो है वो ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन। नंबर टू पॉइंट, इन्होंने केथोड रेज जो है उनके बाद में एक एक्सल पर लाइट पेडल भी, एक छोटा पहिया रख दिया पेडल भी। नंबर टू, जैसे पेडल भी रखा इट बिगिंस टू रोटेट, उसने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। इससे कंक्लूजन क्या है, केथोड रेज आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स विच स्ट्राइक ऑन पेडल ऑफ द व्हील, सो पेडल व्हील बिगिंस टू रोटेट। केथोड रेज आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लेटिनम से रेज निकल रही है। तो इन्होंने सोचा कि ये एटम्स होंगे, तो एटम आ रहे हैं और यहां पर पे स्ट्राइक कर रहे हैं और ये रोटेट करने लग गए, यहां पे हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, केथोड रेज आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, केथोड रेज आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। और थर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर में इन्होंने ये लाइट पेडल व्हील हटाया और अब यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव प्लेट लगाई और नेगेटिव प्लेट। थर्ड प्रॉपर्टी, व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पाथ ऑफ केथोड रेज, अगर ये एटम होते तो ये स्ट्रेट जाते बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट ऑल केथोड रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट।
दैट मीन के थर्ड रेज कैरी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कैथोड रेज कैरी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये अलग है। और अब जेडे थॉमसन के दिमाग में बात आ रही है कि कैथोड प्लेटिनम से बना है, प्लेटिनम मैटर है, उसे पार्टिकल निकले तो वो एटम्स होंगे और वो पार्टिकल जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, और जब नेगेटिवली चार्ज है तो वो एटम में कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो एटम में अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उन पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे.जे. थॉमसन। फाइनल लाइन क्या आ जाएगी, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे.जे. थॉमसन, ऐसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इसके आगे आपको अब एटम में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो यह प्रॉब्लम आई कि इलेक्ट्रॉन में एटम है तो कहां है, तो एटम का मॉडल देंगे। टोटल एटम के 5 मॉडल है, तो पहला मॉडल यही देगा दुनिया को इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसने बताया। अभी प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुए, न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए, केवल इलेक्ट्रॉन, तो अपने मॉडल में ये इलेक्ट्रॉन लगा दो जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, यही आपका आएगा थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, जो आपको नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। ओके, थैंक यू बेटा।